बीजेपी उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, मैंने कलेक्टर का ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा। कलेक्टर थप्पड़ मारे, एसडीएम थप्पड़ मारे, सब सत्ता के नशे में चूर हैं और ये सब ऊपर के इशारे पर हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ब्यावरा में जो कुछ हुआ ये गलत है। मैं 5 बार सांसद रहा, विधायक रहा, 3 बार मुख्यमंत्री रहा, लेकिन कलेक्टर का ऐसा व्यवहार मैंने पहले कभी नहीं देखा। पूरे ब्यावरा को कैद खाना बना दिया। मध्य प्रदेश में नंगा नाच चल रहा है। ये घिनौनी हरकत बिना ऊपर के इशारे पर नहीं हो सकती। मैडम सोनिया गांधी के इशारे पर कांग्रेस शासित राज्यों में यह हो रहा है। एक मंत्री सांसद का अपमान कर रहे हैं। क्या कलेक्टर को हक है कि वह थप्पड़ बरसाए, एसडीएम दौड़ाकर पीटे? शिवराज सिंह ने कलेक्टर और एसडीएम के कृत्य को दंडनीय अपराध बताते हुए कहा, कलेक्टर को निलंबित कर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए। सीए का विरोध हो रहा है और विरोध में ऐसा लगता कह दिया गया कि अफसरों को कुछ भी करो। आखिर किस हैसियत से कलेक्टर ने चाटे मारे? क्या कलेक्टर का अधिकार है कि वो सरे आप कारण पकड़ के जनता के लोगों को खींचे, जब मन में आए धड़ाधड़ थप्पड़ बरसा दे? एसडीएम को यह हक है कि वो कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा के पीटे? शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री जीतू पटवारी और पीसी शर्मा पर भी निशाना साधा और कहा, यह मंत्री पद पर रहने के काबिल नहीं है। गाड़ी बंगले अधिकार मिले हैं तो किसी को डांटने के लिए, अपमानित करने के लिए नहीं मिले हैं। प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के लिए मिले हैं, लेकिन सत्ता के नशे में इतने चूर हो गए हैं कि कुछ दिखाई नहीं देता। कहते हैं सांसद को बाहर करो। कांग्रेस का साधारण कार्यकर्ता जिला योजना समिति की बैठक में बैठते हैं और सांसदों विधायकों को जगह नहीं रहती है। ये मंत्री रहने के लायक नहीं। मंत्री का पद संवैधानिक पद होता है। ये मंत्री को अगर बंगला और गाड़ी मिली है, अधिकार मिले हैं, तो किसी को डांटने के लिए, अपमानित करने के लिए, भगाने के लिए, इसके लिए नहीं है। प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के लिए। लेकिन सत्ता के नशे में ऐसे चूर हो गए जो कुछ दिखाई नहीं देता। सांसद को बाहर करो। साधारण कार्यकर्ता बैठते बैठकों में योजना समिति की, सांसद विधायक को जगह नहीं रहती। विपक्ष के आए तो उनके कार्यकर्ताओं के पास बैठ जाओ। आखिर बैठक भी कोई नियम प्रक्रिया के अंतर्गत चलेगी कि नहीं चलेगी? सवाल उठाए जाते तो डांट दिया जाता है। ऐसे सरकार और ऐसे मंत्री मैंने नहीं देखे। ऐसे लोग मंत्री के काबिल नहीं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।